4EFTE टर्बो एक तो चॉइस, दूसरी ऑप्शन जो है ये K20 की है। ये देखें यार, ये बीम्स पड़ा फोर सिलेंडर के अंदर, पर बहुत आगे रिम और नेम भाई आ गए यहाँ पे। बोले बस ये चक्कर है यार, एनके हमारी लगी है यार, गाड़ी कैसी लग रही है इसको रिम्स का। उए, उए, दो रिम जो ले दिए। आज की मॉर्निंग हो रही है आप लोगों की स्टारलेट के साथ। रात को मैंने आपको लुक नहीं चेक कराई, अंधेरा पड़ गया था, मैंने कहा यार डे टाइम होगी तो आप लोगों को लुक चेक करवाएंगे। देखें और बताएं गाड़ी गैंगस्टर लुक दे रही है कि नहीं दे रही। सिर्फ टिंट्स मीन लाइक, देखिए टिंट से कितना फर्क पड़ता है गाड़ी को। मीन लाइक पूरी प्रॉपर लुक गाड़ी की हो जाती है यार। साथ ही साथ बैक के ऊपर अगर आप आ जाएँ तो बैक वाइपर दे दिया इसको हमने, टीम प्रोजेक्ट कार दे दिया यार, और गाड़ी क्या लशपश लग रही है बताएं आप कमेंट्स के अंदर। इसकी रबड़े वगैरह रात को आपके भाई ने लगवाई हैं, बैक स्क्रीन की, फ्रंट स्क्रीन की, ये साइड के गोले सारे जो रबड़ों के लिए हमने गाड़ी खड़ी की थी। चेक करें ना गाड़ी आपके भाई चारों तरफ से आपकी चेक करवाए। ये चेक करें आप सारे, इसके फ्रंट के भी हो गए वाइपर। बाकी अभी जो हम जिधर लेके जा रहे हैं इसको, वो सीन ये है कि यार इसकी फ्रंट की ये पूरी शो सेट होनी है। इसकी एनके बड़ी हुई है गाड़ी के अंदर, फ्रंट की शो सेट होगी, एनके लेंगी, बीच में हमने जीटी का लॉगो इसको देना है। तो वो आज के सीन जो है भाई आपको गाड़ी के अंदर बैठेगा फिर बताएगा, तो टिल देन आप लोग साथ रहें। तो वो आज के जो हमारे सीन है यार वो ये है कि आपका भाई आपकी शार्लेट में आ गया, इसमें बड़ी एनके हम जा रहे थे दीप साहब के पास, सबसे पहला स्टॉप उनके पास है कि इसकी एनके लगा दें यार, हमारी गाड़ी ये होगी कि आउटसाइड से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम ये गाड़ी देंगे लियासन को, इंटीरियर से वो सारा प्लास्टिक प्लूस्टिक सीटें वीटें सारा कुछ यस करेगा। और वो आज का सीन जो ब्लॉक है हमारा वो ये कि हमने जाना है यार बिलालगंज, वहाँ जाके अपनी बीम्स माकू को देखना, उसकी कंघी लग गई है, उसको हमने LHD के लिए कहना है, और साथ साथ उसको हमने ज़मीन के साथ लगाना है, गाड़ी फिट हो जाएगी। और बड़ा काम ये है कि हम लोगों ने जी के रिम्स आए हैं, जाजू साहब ने गिफ्ट किए हमें। हाँ थैंक यू ब्रो। तो जाजू साहब ने हमें 10.5 और 9.5 जे के रिम्स जो है वो हमें दिए हैं। वो ये कि हम लोग अपनी जी के लिए लेके जाएंगे, जी पे रख के देखेंगे अगर रिम पूरे हो गए उसके लिए टायर्स बाय करेंगे और दे देंगे नईम साहब को कि यार जी की गुलाइयाँ बनाओ। जी को ऑन रोड लेके आए बॉयज, तो बॉयज व्लॉग होने वाला बड़ा कमाल सा, और भाई के लुक मजे के लगे तो नीचे कमेंट्स के अंदर बताएं। तो बॉयज पहुंचे वर्कशॉप पे, तो टिल देन आप लोग साथ रहें। मैंने क्या किया है, किस वजह से, हाँ साहब की वजह से, किस वजह से कोई पता नहीं है यार। हम दो तो बॉयज अजान शुरू हो गई थी, भाई ने वो म्यूजिक व्यूजिक बंद कर दिया, आपने चेक नहीं करा सका। अभी सिद्दीक भाई पर अंदर गाड़ी लगाएंगे, अजान खत्म होती तो आप लोगों को म्यूजिक चेक कराते हैं, सिद्दीक साहब को बुलाते हैं। ये पड़ी हुई बॉयज इसकी एन के हमारी गाड़ी की यार, ये चेक करें, ये लगेंगी ना, और गाड़ी की जैसे ही हमारी वो फ्रंट की शो पूरी होगी ना, गाड़ी की लुक जो है ना बाहर से बॉयज तब कम्प्लीट होनी है। तो चलते हैं सिद्दीक साहब को मिलते हैं, आप लोगों की K20 भी आप लोगों को दिखाते हैं कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा यार। दो दो रिम के सेट लिए हमें, और मैंने देखा कमेंट्स के अंदर ज़्यादातर क्रोम के ही आया मैसेज, तो भाई ठीक है ना, आप लोग के सजेशन के ऊपर गाड़ी तैयार होनी है, तो हम लोग क्रोम की तरफ जा रहे हैं भाई। फिर 15 क्रोम, अब इसके बाद आप लोगों ने बताया ना कि इंजन कौन सा डालना है गाड़ी के अंदर, वो भी मैं और अहमद जाएंगे बिलालगंज मार्केट, वहाँ जाके सर्वे करेंगे। बड़ा मज़े का ब्लॉग होगा वो भी, वो हो सकता है यही वाला ब्लॉग हो कि इंजन कौन सा भाई, ऐसे थंबनेल पे बैठा हो बीच में, अहमद परेशान बैठा होगा साइडों पे सारे इंजन इंजन होंगे, तो ये सीन है बॉयज। तो पहले सिद्दीक साहब से काम करा लें, फिर चलते हैं हम लोग बिलालगंज, आप लोग साथ रहे। और सिद्दीक साहब आगे आगे और हम सिद्दीक साहब के पीछे पीछे, और ये आगे आप लोग की स्टारलेट टेढ़ी ग्रिल और मतलब टेढ़ी शो के साथ, इनके निकाल के दिखाते हैं सिद्दीक साहब को, गंदी होगी यार गाड़ी। और जी ये बोनट शोनट खोल के सिद्दीक साहब लग गए हैं ये इनके पकड़ के हमारी गाड़ी पे फिट करने के लिए, ये पूरी शो इसकी टेढ़ी है आप लोगों ने देखा, पूरी ये खोलेंगे पूरी शो इनके फिट करेंगे, शो पूरी सीधी करेंगे आपकी गाड़ी की, ताकि यार फ्रंट से गाड़ी की एक लुक है ना वो पूरी हो जाए। अभी बड़ी अजीब सी लुक आती है टेढ़ी गाड़ी, वो फ्रंट से वो मज़ा तो नहीं आता ना, प्रोजेक्ट कार वालों की गाड़ी यार पता चलना चाहिए। बस ये होप्सो एक आधा दिन के अंदर गाड़ी कंप्लीट है, अभी भी आप लोग आउटलुक देख सकते हैं गाड़ी की, अभी भी भाई खड़े हुए थे मुझे कहते हैं यार बेचनी है गड्डी, नहीं यार बेचने वाला कोई सीन नहीं है, हम ला रहा अभी अभी हम उसको तैयार कर रहे हैं चलाएंगे, और नए ऑनर के पास जाएगी वो भी इसको थोड़ा इन्जॉय करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि हमने इस गाड़ी का क्या करना है यार। तो बस अहमद भी पहुँच रहा है अभी, अहमद को तो जान गए होंगे आप लोग अब तक, तो अहमद भी आ रहा है उसके साथ जाएंगे शुगल करेंगे, और होप्स हमारा सीन है आज हम आपके जादीपुरों के पास भी जाएँ, तो आप लोग ऐसे ही साथ जुड़े रहें।
ये चेक करें ना, अब वो जैसे इसकी ऐनक लगी, जैसे बैटमैन अपना मास्क पहन लेता था वो फिट लगने लग जाता, वैसे ही हमारी गाड़ी ने भी अपना मास्क पहन लिया। लाइट्स का चेक करें ना, मास्क ही है ना एक तरह से आउटर लेयर है, जो सिर्फ अब हमारे रिंग नज़र आ रहे हैं। बोनट बंद होगा तो हाँ निकलेगी आप लोगों की। तो कमेंट से बताएं गाड़ी कैसी लग रही है। फ्रंट शो पूरी बस अभी कम्प्लीट होने वाली है यार हमारी, चेक करें दीक साहब लगे हैं दूसरी साइड के ऊपर भी हमारी। तो ये चेक करें जी रेडी का कितना बड़ा इंटरकूलर लगा हुआ है। इसमें सीन ये है कि इसके अंदर एसी लगने की जगह नहीं छोड़ी इन्होंने भाई, परफॉर्मेंस कार बना दी है, रेडिएटर लगा हुआ है और जी रेडी का टर्बो इंटरकूलर लगा हुआ है। स्टॉक इसके अंदर ऊपर आता है इसका इंटरकूलर, वो मेरे ख्याल से दो ये पाइप ही ऊपर निकले हुए इंटरकूलर के लिए। तो बहरहाल आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। एक बार सदीक साहब इसको कम्प्लीट कर दें फिर आपका भाई आपको इसकी पूरी प्रॉपर चीज़ों को चेक कराता है। पहले बस ये चेक करें यार एन के हमारी लगी यार, गाड़ी कैसी लग रही है, कमाल लग रही है कि नहीं लग रही। हाय 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 भाई कैसी लग रही है एन के ये कैमरे से भागता और मैं इसको उतना ही तंग करता हूँ। चलिए भाई इसको रेट करें आप लोग काम को कमेंट्स के अंदर। हम लोग जा रहे हैं इसको लगाने घर, अली साहब इसका इंटीरियर कराएंगे और हम लोग इसकी लांट्रा भी घर लगा के इसकी लांट्रा भी हम लोग लगाते हैं घर पे और हम लोग मार्क को पकड़ते हैं और बॉयज हम लोग सीधा पहुँचते हैं बिलालगंज। आप लोग साथ रहे हम दो बस ये चेक करें यार गाड़ी चेक करें क्या लशपश लग रही है। इनके भी लग गई है इसकी और टेंट भी हो गई है और ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी आउटर से तो गाड़ी हमारी पूरी कंप्लीट है। चेक करें और रेट करें आप लोग कमेंट्स के अंदर। इसकी गाड़ी अंदर लगाते हैं हम लोग और हम लोग चलते हैं बिलालगंज। एक दफ़ा गाड़ी दरवाज़ा पूरा बंद कर दें, ये देखें ये चेक करें जी ये चेक करें। पीछे स्पॉइलर कल मैंने रख के देखा था वो फील नहीं दे रहा था इसलिए आपके भाई ने नहीं लगवाया। साथ ही साथ ये चेक करें साइड पूरी चेक करें गाड़ी की निकल रहा है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएं बॉयज। चलिए जी हम लोग सीधा पहुंच गए हैं बिलालगंज और यहाँ पे हम लोग इंजन देख रहे हैं अपनी K20 के लिए। सारे बड़े बड़े इंजन पड़े हैं यार, क्या करना है भाई, क्या सोच रहे हो। ये देखें यार ये बीम्स पड़ा है फोर सिलेंडर के अंदर, पर बहुत ऊपर गेम जाती है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। और ये बीम्स पड़ा है सिक्स सिलेंडर में हमारे पास और इसको मांझे जाए इसको हम समझ रहे हैं CSGT जो कि CSGTE नहीं है। और बस अभी ऑप्शन इस गाड़ी के लिए बड़ी जो है ना इसे कहते हैं ना लिमिटेड सी ऑप्शन है बॉयज़, हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो सोचते हैं आप लोग भी कमेंट्स के अंदर बताएं कि यार कौन सा इंजन डालना है आपकी गाड़ी के अंदर। साथ रहें चलते हैं मार्क्स दिखाते हैं आप लोगों की, आपको जी वैगन की भी अपडेट देते हैं साथ रहें। बड़ी पुट्टी सीधी सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए 4EFTE टर्बो, एक तो जो इस बंदे की ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी इसकी कौन सा वाला भैया नहीं समझा ये सामने ये तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा गियर वो इंजन V6 है। अच्छा V6 है, नहीं हमारी 74 है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉयज वो FX में डाल दिया V8 तो वो तो सर हम ज़्यादा करना नहीं चाह रहे, हम जरा उसको डेली ड्रिवन थोड़ा सा रखना चाह रहे हैं। अच्छा तो बॉयज़ हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है ये K20 की है, रेड टॉप किया हुआ है इन्होंने, क्या बात है। और ये साथ K24 भी पड़ा हुआ, K24 भी वो साथ ही पड़ा हुआ है, वो K24 है ये K20 पड़ा हुआ है और 4EFT हमारी बात चल रही है इनके साथ साथ ही साथ बॉयज़ के पीछे 2G सारे जितने परफॉर्मेंस इंजन है पर सारे फ्रंट व्हील है, हमने इसको रेयर व्हील कन्वर्ट करना है। रेयर व्हील जो करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ ऐसे तरीके से करेंगे कि हमें प्लेट व्लूट ना बनानी पड़े और मसला ना क्रिएट हो। तो उसको फाइनलाइज करते हैं आप लोगों को बताते हैं, आप लोग साथ रहें। भले भाई टीम प्रोजेक्ट कार्स आपके लिए और ये आ गए रिम और नईम भाई आ गए हैं आपके। अच्छा यार सीन ये है कि ये 18 सेट है ना नईम भाई? हाँ जी 18 ये भाई वो टैच हो रहा है कैलिपर के साथ। अच्छा ये मसला ये है कि हमारा रिम छोटा है मेरा, 18 नहीं चलना है इसको, 19 चलना है। हाँ जी यार अब हम कितने सेट लें यार भाई, पागल हो गए। एक और सेट लेकर आए थे ये भी नहीं चल रहा। अब इसका सीन ये है कि भाई हमारा जी जो है ना, जी का ये जो सब फ्रेम है ये मांगता है 19 का, मीन लाइक इसको 19 का रिम चाहिए। तो चलें 19 का फाइंड करते हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आपकी ये आगे हैं हम लोग माकू के पास। तो यार ये चेक करें बॉयज, आज हम हर गाड़ी पे रिम लगा लगा के देख रहे हैं, आज माकू भी लगा रहे हैं। ये हमने नीचे नहीं की, नीचे करेंगे जब इसको बिठाएंगे तो आप लोग मज़ा आएगा। गाड़ी आप लोगों को नहीं दिखाई, गाड़ी दिखा दूं तो गाड़ी के अंदर बॉयज हम लोगों ने इसमें भी कंघी लगा दी है यार, 76 की माकू के अंदर इसमें भी कंघी इंस्टॉल होगी। ये क्रॉस जा रहा है आप लोगों का और अगर आप इधर देखें तो ये आप लोगों की मार्क टू ग्रैंडी की कंघी लगी है यार इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर अंदर आ जाएं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर ये गाड़ी भी आप लोगों की हो गई है। हाय 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 ये चेक करें मोटर लगी है सामने, नज़र आ रही है वही आप लोगों को। अब इसका शेयरिंग पहले इसका शेयरिंग था दो हाथों से ऐसे ऐसे लगे रहो, अब इसका शेयरिंग ऐसे ऐसे घूमेगा। सस्पेंशन ये देखें सारा चेंज हो रहा है इसका,
इसकी डिस्की, इसकी स्प्रिंग गाड़ी लो कर दी हुई है। इसके लिए अब जो काम रह गया वो ये काम रह गया कि इसके हमने रिम टायर लेकर आने, रिम टायर ला कर लगाएं और गाड़ी लो करें खास आप लोगों के लिए। और अभी सीन ये भी है कि हमने पहुँचना है जाजिब के पास, भी यहाँ से फ्री होते हैं जाजिब के पास पहुँचते हैं, आप लोग साथ रहें। लास्ट आप लोगों ने देखी थी फैसल टाउन की शॉपिंग, इस बार हम आपको बिलालगंज की रिम की शॉपिंग दिखाते हैं और रिम शिम चेक करें। मार्कों के लिए देखने आए हैं, चलें ज़रा अंदर। ये सेट बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ये 16 है 15 है? 16 है। कितना चौड़ा है उठा के चेक करो ज़रा। तो ये खान भाई को कहते हैं चेक करके हमें बताएं कि कितना चौड़ा है यार ये रिम। 8 जे लग रहा है वैसे मुझे देखने में, 7 या 8। कितना है भाई? 7 जे यार, ये तो कम हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा निकाल के दो। कोई पड़ा हुआ सेट, कोई रिम टायर पूरा सेट यूट्यूब पे आ रहे हो आप? ये बॉयज एक रिम मिला है हमें 16 के अंदर, मल्टी PCD। इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? ये होगी इसमें 8.5 है कि 8 है? ये 7.5 है। 7.5 जे 7 जे लिखा हुआ है। 7 लगा ले आप। 7 जे 7 जे लगा है, बाहर नहीं आना। हमें थोड़ा सा वाइट चाहिए बॉयज के, थोड़ा सा बाहर आ जाए आप। हम दो सना अपने घर की। ओए ये चेक करें यार, ये किधर आ गए आपके भाई यार? ओए सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच गए जादू के बाद, जादू के बाद किधर पहुंचे हैं तो यार अभी आप लोग को जाके सरप्राइज देते हैं। हमारा भाई भी यूएसए नहीं पहुंचा, अभी इधर ही है यार। शुगर सीन ऑन होता है, कॉल भी कर रहा है, पहुंचते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन है। ओए 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 यार किधर ले आए भाई जंगलों में? ओए 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 ये चेक करें, अहमद ब्रो ऑन सीट। आहा भाई हम ऊपर चले गए, हमें नजर नहीं आया घर। भाई 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 आ गया अमेरिका, आ गया आप लोग यार। ओह माय गॉड यार, तू और फर्क क्यों लग रहा है, क्या हुआ तुझे? तो ले बॉयज पहुंच गए हम लोग यार भाई के फार्म, गाड़ी लगाते हैं और चिल सीन करते हैं आप लोगों के लिए। टिल देन आप लोग साथ रहें। ऐसा यार ये जो लुंडा हमारे पास वापस नहीं आता ना लाहौर, ये यहाँ पे आके रुक जाता है। इसको देखे ना यार, स्नूकर स्नूकर जिम शिम यू नो हर चीज है इसके पास यहाँ पर। ये क्या शॉट मारी है भाई, इतनी एनर्जी कहाँ से? गुस्सा है इसको रिम्स का। दो रिम जो ले दिए इसको गुस्सा है। तो बॉयज अभी तो इसको लास्ट हमने तंग परेशान किया है यार, फ्लैश लास्ट बॉयज हमने इसको परेशान किया रिम्स के ऊपर, अब हम इसको परेशान करेंगे इंजन के ऊपर। मीन लाइक पहले रिम ने परेशान किया, अब इंजन ने परेशान किया। 4EFT और आपके सामने K24 K20 बहुत ढेर सारी हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से आप चूज करें। नीचे बताएं भाई आ जाए चिल करने के लिए, उन्होंने काम होता है तो साथ यार चिल सीन भी होना चाहिए। क्यों बॉयज होना चाहिए भाई? क्या बात है, क्या एंगल से शॉट मार रहा है। आहा, क्या तो बॉयज फन इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग मंडे को काम पे, आप लोग साथ रहें।